दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को उपचार के लिए कराया गया चिकित्सालय में भर्ती। जनपद मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र के एक गांव में सुबह के समय एक ही घर के कई सदस्य दीवार पर पड़े छप्पर में बैठकर चाय पी रहे थे, तभी अचानक भरभराकर दीवार गिर गई, जिसके मलबे में एक ही परिवार के तीन लोग दब गए। दीवार गिरने से दबे लोगों को बचाने के लिए आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के ग्रामीणों ने आनन-फानन में दबे हुए लोगों को निकाला, जिन्हें कुरावली चिकित्सालय से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। सुनीता, अच्छा क्या पूरा कैसे क्या हादसा हुआ बता दो। पर्दा गिर गई। क्या कर रहे थे आप लोग वहां पे? चाय पी रहे थे। अच्छा कितने लोग थे वहां पे दीवार में, कितने लोग दब गए थे? 5 लोग। और क्या हुआ? कौन कौन दबा बता दे। को दबा हुआ पता न भैया, जानकारी नहीं। किस गांव के रहने वाले हो? सिमन को। क्या गांव में हादसा हुआ है? दीवार गिर गई। कैसे गिरी है? छप्पर रखा था, बैठे थे सब लोग, अचानक गिरी। कौन कौन लोग इसमें दबे हैं? इसमें रतन, सुनीता, उनकी बच्ची खत्म हो गई। एक ही परिवार के कितने लोग थे? एक ही परिवार के 3-4 लोग बैठे थे। घायल कितने हुए हैं? घायल 2 घायल हैं, एक तो खत्म ही हो गई। एक बच्ची कितनी छोटी थी? है 2-2.5 साल की लगभग। बच्चे को सैफई रेफर कर दिया गया क्या? हाँ, कुराली से कुराली लाया, कुराली से मैनपुरी रेफर किया और मैनपुरी से सैफई रेफर कर दिया। वह अन्य गंभीर घायलों को सैफई रेफर कर दिया गया, जहां पर घायल नितिन कुमार की भी मौत हो गई। पूरा मामला कुरावली थाना क्षेत्र के ग्राम टिमनपुरा का है। इस गांव के रहने वाले नितिन कुमार, उसकी पत्नी सुनीता देवी अपने 2 मासूम बच्चों के साथ छप्पर में बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी अचानक कच्ची दीवार गिर गई, जिसमें तीनों लोग दीवार के मलबे में दब गए। दीवार गिरने की आवाज़ सुनकर आसपास के पड़ोसी ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पूरे परिवार के सदस्यों को आनन-फानन में निकाला और कुरावली स्वास्थ्य केंद्र ले आए, जहां से जिला अस्पताल भेज दिया, जहां 3 वर्ष की बच्ची लाडो को मृत घोषित कर दिया। दादा क्या घटना क्या हुई है, कैसे क्या? कच्ची दीवार पलट गई। क्या कहाँ पर, किस जगह? घर में, गाँव में। कौन सा गाँव है? गाँव तमनपुर थाना। अच्छा कितने बच्चे घायल हैं इसमें और कितने लोग हैं? एक बच्चा खत्म हो गया जी। हाँ, 2-3 साल का। हाँ, और एक बच्चे का मौत भी आया है और सुनीता गंभीर ज्यादा है। और कौन घायल है? और नाम मैं मालूम था ना बच्चे को। बच्ची की माँ भी तो है घायल। हाँ, बच्ची की माँ है सुनीता। बच्ची है, एक बच्ची है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम पप्पू सिंह है। कुरावली तहसील के तेमनपुर गांव में एक दीवार गिरने से कुछ लोग दब गए थे, पूरा मामला क्या है? दीवार गिरी है कच्ची, कारण क्या है उसका पता लगाया जा रहा है। मौके पर थाना अध्यक्ष हैं और CO साहब हैं, SDM साहब को भेज दिया गया है मौके पर, और जो घायल थे उनको जिला अस्पताल ले आया गया है। इस पर फर्दर जो भी सहायता उसकी की जाएगी। 3 साल की एक बच्ची है, उसके संबंध सूचना मिली कि वो इसमें शायद खत्म हो गई है, बाकी इसमें कार्रवाई की।